गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, वी कैन कन्वर्ट SI टू CGS, ये एग्जांपल में देखेंगे हाउ कैन वी कन्वर्ट CGS टू SI, ओके, उल्टा केस। अभी सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको समझाया, हमें कौन सी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसके ऊपर सबसे पहले आपको फोकस करना पड़े। तो हियर वी वॉन्ट टू कन्वर्ट कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है दोस्तों? कैपिटल जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, उसमें ये कैपिटल जी होता है गाइस। तो इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो सबसे पहले तो मुझे कैपिटल जी के डायमेंशन ढूंढेंगे। वो कैसे ढूंढेंगे हम? फोर्स के डायमेंशन हमें पता है वेरी वेल, इट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। So that will be m1 l1 t-2 force का r जो है distance, तो उसका मैं करूँगा l2 m1 m2 representing mass over here, तो mass को मैं लिखूँगा m2। फिर इसमें हम compare करेंगे guys, तो मुझे मिलेगा ये 1-2 that is -1 l1+2 3 और ये -2, मतलब MLT formula capital G का मुझे मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, m^a l^b t^c, तो उसके ऊपर से आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे a का वैल्यू मुझे मिलेगा -1, b का वैल्यू मुझे मिलेगा 3 और c का वैल्यू मुझे मिलेगा -2, राइट। सो बाय दिस वे वी कैन कंपेयर दिस। सो ये जस्ट हमारा abc का वैल्यू मिला। नाउ कन्वर्जन की बात आती है गाइस, तो कन्वर्जन में बेसिक फॉर्मूला जो हमने समझाया उसी के हिसाब से आपको डील करना है। आई होप हाउ टू फाइंड कैपिटल जी का डायमेंशन दैट इज क्लियर। उसके बाद बारी आती है कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन में सबसे पहले ये चेक करो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। सो इट इज गाइस यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने न्यूटन्स लॉ में यूज करा था, मतलब कौन सा वाला, लाइक वी हैव एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी का पूछा है, सबसे पहले तो वो डिसाइड करो। वो डिसाइड करने के बाद उसके डायमेंशन जो जस्ट अभी हमने देखे, डायमेंशन के ऊपर से एमएलटी में हम कंपेयर करेंगे, तो मुझे वैल्यू मिला ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -2। नाउ इन दिस केस वी हैव टू कन्वर्ट CGS इनटू SI सिस्टम। तो थोड़ा उल्टा केस होगा गाइस। CGS में हम क्या लिखते हैं? नाउ यहां पे लिखूंगा n1 m1 l1 t1, समझना अच्छे से। ये मास को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहां पे ग्राम में 1 ग्राम, सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करूंगा 1 सेंटीमीटर और टाइम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 सेकंड। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे 1 नहीं है, यहां पे हमें समथिंग वैल्यू इज गिवन, सो दैट वी वांट टू राइट 6.67 इनटू 10 टू द पावर -8। तो ये हो गया मेरा CGS का डेटा जो मुझे यहाँ पे फिलहाल दिया है। नाउ हम कन्वर्ट करेंगे गाइस SI में। तो SI में N2 का वैल्यू जो हमें ढूंढना है, एक्चुअली दैट इज द क्वेश्चन। फिर M2 का होगा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को मैं कन्वर्ट करूंगा, सो इट विल बी 1000 ग्राम, ओके, समझना अच्छे से। L2 विल बी 1 मीटर, इसको कन्वर्ट करूंगा 100 सेंटीमीटर और सेकंड तो सेकंड ही है गाइस हर जगह। सो अगेन जो फॉर्मूला हमने देखा वही यूज करना है। फॉर्मूला यहाँ पे है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इन दिस केस वी वांट टू फाइंड n2, तो उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2। अब गाइस n1 का वैल्यू तो मेरा फिक्स यहाँ पे दिया है, सो दिस इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। नाउ व्हाट अबाउट u1 एंड u2? तो u1 ये है, u2 ये है, तो इसको मैं लिखूंगा m1 अपॉन m2 होल टू द पावर a, देन आफ्टर लिखूंगा l1 अपॉन l2 होल टू द पावर b, देन आफ्टर T1 upon T2 whole to the power C. Now it's very simple. This value will be as it is, no change. अभी आगे हम इसमें देखेंगे, तो हमें मिलेगा
6.67 × 10⁻¹⁸, ये M1 जो 1 ग्राम है उसको एज इट इज रखने का, M2 1000 ग्राम, सो 10⁻³ वी कैन राइट टू मेक इट मोर इजी। A का वैल्यू यहाँ पे है मेरा -1, समझना अच्छे से। L1 का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, उसको 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर रखेंगे, दिस विल बी 10⁻² सेंटीमीटर। रेस्टू B का वैल्यू यहाँ पे है 3, और सेकंड जो है दैट विल बी सेकंड ओनली, नो चेंज माय डियर फ्रेंड्स, ओके। इसके बाद में इसके बेसिक कन्वर्जन की बारी आएगी, सो वी हैव टू अप्लाई पावर रूल। ये 10⁻³ नीचे है, ऊपर जाएगा तो बनेगा माइनस, और माइनस माइनस ऑलरेडी बन जाएगा प्लस, समझना अच्छे से। ये पावर रूल जो हमने बेसिक ऑफ मैथ्स में अप्लाई करवाया था, इसी के लिए करवाया था। सो नाउ दिस इज 10⁻² ऊपर आएगा, -3 ऑलरेडी -1 है, ये 10⁻² ऊपर आएगा -2, और बाहर 3 है। 1 का करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज 1⁻ एनीथिंग विल बी 1 ओनली, राइट। सो नाउ इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, सो 6.67 × 10⁻⁸ −+10⁻³, 10⁻⁶, सबको आगे सिंप्लीफिकेशन में लिखेंगे, 6.67 × 10⁻⁶, ये −6 + 3 विल बी −3, ऑलरेडी −8 है, तो हम लिख सकते हैं गाइज −11, विच इज SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी। अगेन समझो क्या किया हमने, हमारे पास यहाँ पे CGS का वैल्यू था, उसको मैं SI में कन्वर्ट करूंगा, तो सबसे पहले तो कैपिटल जी के डायमेंशन आई वॉन्ट टू फाइंड, दैट वी कैन फाइंड वाया दिस वे, ओके, दैट वी हैव लर्न अर्लियर। अभी उसके ऊपर से मुझे ABC का वैल्यू मिलेगा, सो वी हैव टू कंपेयर लाइक MLT, M⁻A, L⁻B, T⁻C। तो MLT का जो भी वैल्यू मुझे कैपिटल जी का मिला, वो मेरा वैल्यू यहाँ पे था M⁻¹⁰, L⁻³, T⁻¹⁪। ये कंपेयर करा करके हमने ABC का वैल्यू लिखा। नाउ हमें वो देखने का कि वी हैव टू कन्वर्ट कौन से सिस्टम में से कौन से सिस्टम में लेके जाना है। तो यहाँ पे CGS टू SI लेके जाना है। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, तो आप ग्राम सेंटीमीटर सेकंड लिखोगे, उसके सामने लिखोगे SI में KG मीटर सेकंड। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये आपको बेसिक कन्वर्जन है। 1 meter इज 100 cm, वी वॉन्ट टू फाइंड N2, तो सेम प्रिंसिपल रूल, N1U1 is equal to N2U2, N2 को subject बनाऊंगा, N1U1 by U2, N1 पुराने question में 1 था, यहाँ पे 6.61 × 10⁻⁸ दिया है, तो 6.67 × 10⁻⁸, then after M1 by M2⁻A, L1 by L2⁻B, T1 by T2⁻C, तो 6.67 × 10⁻⁸, फिर basic conversion, उसके ऊपर से गाइज मुझे मिला 6.67 × 10⁻⁻¹। तो सपोज इसको मुझे CGS में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसकी फाइनल वैल्यू लिखूंगा 6.67 × 10⁻⁻¹, डाइंका बन जाएगा न्यूटन जो SI है, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा मीटर स्क्वायर, और ग्राम माइनस टू मेरा बन जाएगा KG, so that is become kg-2, okay? तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे ये लिखना है। यहाँ पे actually it is gram-2, right? Okay, तो इसके हिसाब से we have to convert. ये नीचे होता तो +2 आता, ऊपर आएगा, so this is become -2, okay? We have to remember as like this way. So this is newton meter square, kg-2. नीचे लिखो +2 है चलता है, ऊपर आएगा -2, तो वो आप थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना। बाय दिस वे वी कैन कन्वर्ट दिस सिस्टम, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज CGS टू SI।